जिंदगी में बार 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 टेंशन आते ही रहते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स है और टेंशन आते रहते हैं। अभी मैं आपको सात ऐसे सूत्र बता रहा हूँ कि जिसका पालन आप करते हैं तो आपको टेंशन आएंगे नहीं और आप मज़े से जिएंगे। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। देखो, जो भी लोग है जीवित है उनको प्रॉब्लम आएंगे, और प्रॉब्लम आएंगे तो टेंशन आएंगे। ऐसा होगा ही नहीं कि टेंशन नहीं है। लोग बोलते नहीं, नहीं मेरे को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि जो लोग मरे हुए उनको प्रॉब्लम नहीं है, जो जिंदा है उनको प्रॉब्लम है ही है। और यदि आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको यदि ज़िंदगी में खुशी चाहिए ना, तो आप प्रॉब्लम नए क्रिएट करो, तैयार करो, बड़ा काम करो। तो नंबर एक है, कोई तो भी बड़ा काम आपके लिए तैयार करो, बड़ा प्रॉब्लम तैयार करो, बड़ा गेम तैयार करो, बड़ा कुछ तो भी ऐसा काम रखो कि आपको ऐसा ज़िंदगी जीने में मज़ा आएंगे। वो काम चेस करने में मज़ा आएगा, उसका पीछा लगना और वो हासिल करना उसमें मज़ा आएगा। और उसमें टेंशन आना नहीं आना वो छोड़ दो। फोकस कहाँ करना है, वो काम के ऊपर फोकस करना है, और सफलता कैसे मिलेंगी वहाँ फोकस करना है। तो नंबर एक का पॉइंट मैंने बताया कि भाई बड़ा काम तैयार करो, बड़ा गेम खेलो जिसमें आपको मज़ा आ जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता मत करो। भविष्य में क्या होगा आपको मालूम नहीं है। भविष्य में क्या होगा इसका काल्पनिक डर लोगों के मन में रहता है, काल्पनिक डर लोगों को है। ऐसा होगा, फेल होगा क्या, मुझे मेरा प्यार टूट जाएगा क्या, मुझे लोग प्यार करना छोड़ देंगे क्या, फिर मेरा धंधा चौपट हो जाएगा क्या, बैंकरप्सी आएंगे क्या, मतलब ऐसे फजूल लोगों को डर रहते हैं, भविष्य के बारे में चिंता रहती है जो अभी कभी हुआ ही नहीं है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आज तो कुछ नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो भविष्य के बारे में उसे काल्पनिक डर है। वो काल्पनिक डर वहीं के वहीं रहने दो, उसको कुछ नहीं करने का है। मुझे कुछ तो भी झटका बैठा होगा अतीत में, वहाँ से वो डर मुझे भविष्य के बारे में आ रहा है। तो काल्पनिक डर की चिंता जो है वो काल्पनिक डर करके उसको समझना और उसको बाजू में रखना उसमें है। नंबर तीन, अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अतीत में मुझे यहाँ लॉस हुआ, अतीत में मुझे उधर लॉस हो गया, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तो वहाँ से मुझे डिप्रेशन आता है और मुझे टेंशन आता है। अतीत में जो हुआ वो हुआ, अतीत अभी मैं ला नहीं सकता हूँ वापस, अतीत के बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अतीत में धंधा चौपट हो गया होगा, अतीत में बहुत लॉस हो गया होगा, अतीत में प्यार टूटा होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, जो भी हो गया होगा हो गया। अभी क्या है, आज मुझे क्या करना है, आज मैंने क्या एक्शन करना चाहिए, क्योंकि मैं आज जो करूँगा वहाँ से मेरा भविष्य तैयार होने वाला है। तो अतीत के बारे में जो है उसके बारे में डिप्रेशन लेने का नहीं है, वहाँ से डिप्रेस होने का नहीं है, और वहाँ से टेंशन लेने का नहीं है। तो अतीत को अतीत में रखने का है। नंबर चार, लोगों को खुशी बांटना चालू करो। लोगों को क्या चाहिए, तो लोगों को जब आप खुशी बांटेंगे तब आपको अपने आप ही आपका टेंशन दूर हो जाएगा और आप भी खुश हो जाएंगे। लोगों को काय में खुशी होती है वो काम करो, जो भी अपने घर वाले, अपने परिवार के लोग, अपने रिलेटिव्स है, अपने स्टाफ मेंबर है, समाज के लोग है, वो खुशी बांटो, खुशियाँ बांटो, तो आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे खुशी चाहिए तो मुझे खुशी देनी पड़ेगी, तो मुझे खुशी मिलेगी। जो भी मुझे चाहिए ना वो मेरे को देना पड़ेगा। मुझे पैसा चाहिए तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, मुझे खुशी चाहिए तो मेरे को खुशी देनी पड़ेगी। आप जो भी लोगों को देते हो वो आपको मिलता है। आपको खुशी चाहिए, लोगों को खुशी दो। आपको पैसा चाहिए, पैसा दान करो। आपको जो भी चाहिए ना, आपको झगड़ा चाहिए, लोगों के साथ में झगड़ा करो, ऐसा मैं बोलते रहता हूँ। तो जो भी चाहिए वो आप लोगों को देना चालू करो। ये हुआ चौथा नंबर का पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो है, लोगों को मदद करो, लोगों को योगदान दो। लोगों को क्या चाहिए, ऐसा एक साइकेट्रिस्ट ने कहा है कि यदि आपको डिप्रेशन आया हुआ है और आप डिप्रेस हो, कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर को ताला लगाओ और ऐसे समाज में जाओ, ऐसे झोपड़पट्टी एरिया में जाओ, ऐसे गांव में जाओ कि जहां लोग एकदम बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको बहुत कुछ, मतलब वहां गरीब है, उनको बहुत कुछ चाहिए, वहां उनकी मदद करना चालू करो। आप लोगों को योगदान करना चालूंगे, लोगों को देना चालू करेंगे, तो आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, आपका डिप्रेशन निकल जाएगा। तो लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को योगदान करना, लोगों के लिए खड़ा होना, वो यदि करेंगे ना तो आपको डिप्रेशन ही कभी आएगा नहीं, डिप्रेशन की दवा लेने की जरूरत कभी पड़ेंगे नहीं। तो आपको डिप्रेशन होगा तो जरूर ये करना, घर को ताला लगाना, लोगों की मदद करना चालू करो। एक्चुअली ताला लगाने की जरूरत नहीं है, घर में रह के भी कर सकते हैं, मगर एक बोलने की बात है ये कि लोगों को जो चाहिए, जो जहाँ से मुझे कुछ अपेक्षा ही नहीं है, जहाँ से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, जहाँ से मुझे ना प्रतिष्ठा, ना नाम, ना इज्जत, ना शोहरत, ना कुछ पैसा मिलने वाला है, वो लोगों के लिए मैंने काम यदि किया तो डिप्रेशन निकल जाएगा। तो टेंशन भी रहेगा नहीं और डिप्रेशन भी रहेगा नहीं।
तो लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को योगदान करते जाएंगे तो अपना टेंशन निकल जाएगा। छठवां पॉइंट, कहीं भी अपेक्षा मत करो, नो एक्सपेक्टेशंस। यदि आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन किससे भी करते हैं तो आपको वहाँ टेंशन आएगा, आप अपसेट हो जाएंगे, आपको ठीक लगेगा नहीं, क्योंकि लोग अपेक्षा पूर्ति करते नहीं हैं। यदि मैं कोई भी अपेक्षा से लोगों को कुछ मदद करता हूँ, समझ जाओ कि आपको टेंशन आएगा, आप अपसेट हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वो अपेक्षा पूरी मेरी करेंगे कि नहीं करेंगे। यदि मुझे बताना पड़ेगा उसको कि मेरी अपेक्षा है, मैं मदद करूँगा, मगर मेरी ऐसी अपेक्षा है कि तुमने ये करना चाहिए, ऐसा बोलो। मन के मन में अपेक्षा रखेंगे और सामने वाला अपेक्षा पूर्ति नहीं करेगा और टेंशन लेने में क्या मतलब है। तो कुछ भी आप काम करेंगे तो बिना अपेक्षा का काम करेंगे, या फिर आपको अपेक्षा है तो फिर बोल देंगे कि मुझे अपेक्षा है। यह छठवां मुद्दा। और सातवां है कि लोगों के और आपके बीच में कुछ भी गैप नहीं होना चाहिए। लोग और आप, फिर आपके परिवार के लोग होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जो भी है, उनके बीच में और उनके और आपके बीच में कोई अंतर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उनको मालूम नहीं है सामने वाले को। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप उनसे बोलते नहीं हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप उनसे छुपा रहे हो। यदि आप लोगों के साथ में एक है, जब मुझे कुछ छुपाना नहीं है, मेरी जो ज़िंदगी है वो खुली किताब है, तो फिर प्रॉब्लम है क्या है, फिर टेंशन कहाँ से आएगा। यदि मैं ऑनेस्ट हूँ, ट्रूथफुल है, ट्रांसपेरेंट है, छुपाने का नहीं, फिर टेंशन नहीं है। टेंशन मुझे इसलिए आता है कि मैं छुपाते रहता हूँ। यदि आप कुछ भी बात छुपाते होंगे, फिर आप टैक्सेस छुपाते होंगे तो आपको टेंशन आएगा, आप इनकम टैक्स चुकाते होंगे आपको टेंशन आएगा, आपका अप्रामाणिकता कुछ करते होंगे, धंधे में अप्रामाणिकता होंगी, वहाँ टेंशन आएगा, आप कस्टमर से छुपाते होंगे तो वहाँ टेंशन आएगा। जहाँ भी आप छुपाते हो, जहाँ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहाँ टेंशन आता है। तो ये मुद्दा बहुत महत्व का है कि कहीं भी छुपाने का नहीं है, ना कम्युनिकेशन में छुपाने का है, बातचीत में कोई छुपाने का है, ना व्यवहार में कोई छुपाने का है। तो आप ये जरूर, ये आप मुद्दों का पालन करेंगे तो आपको टेंशन आएगा नहीं, टेंशन दूर दूर तक कोसों तक आपके पास में आएगा नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।